व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी जा रहे हैं स्टारबक्स पे कॉफी पीने। आज शाम की 4 बजे की हेलीकॉप्टर राइड है। एक समिट का भी प्लान किया था, उसकी टिकट नहीं मिली। कल इतनी ज्यादा बारिश और ठंड थी। अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है यहाँ मंजी बिछा के गरम चाय और यार व्हाइट मक्खन और पराठा मिल जाए। यहाँ पे जिम देखो कितने बड़े बड़े हैं। जिम है पूरा, तब बड़ा ये। और सामने वो देखो टेस्ला के चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ बताए बेस्ट चीज क्या है, जैसे स्टारबक्स है तो खुला है कि पार्किंग की भी जहाँ खुली है, ब्रॉडवे मतलब चलने का भी खुला है, रोड खुली है। हाँ टेस्ला के चार्जिंग वाले यहाँ पे अभी इतनी आ गई टेस्ला। ओह एक चीज दिखाऊँ, ये गाड़ी की पलके हैं देख, इसने आईलैशेस लगवाई है। तो कॉफी निपटा लिया स्टारबक्स से, अभी जा रहे सुपरमार्केट। सो लंच हम थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, विल पिक अप सम कोल्ड सैंडविचेस एंड योगर्ट। रात को विल गो ऑन अ रूफटॉप और वहाँ प्रॉपर डिनर करेंगे। यहाँ पे आए थे शूट निपटाने, शूट हो चुका है। मन कर रहा है कि यहाँ पे 1 घंटा वर्कआउट भी निपटा लिया जाए। करोगी वर्कआउट? आप कर लो। हम लोग ने इतनी ब्लू बेरीज फेल दी, ब्लू बेरीज देखने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं ये कहता अब दिल नहीं कर रहा, मैं चेरी ले लेते हैं। देख ले ब्लू बेरी चाहिए ऋतु, देख ले, देख ले ब्लू बेरी। यार मुझे यहाँ के बनाना बड़े टेस्टी लगे यार, बहुत टेस्टी होते हैं। हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ बनाना और ये योगर्ट ही लिया। और ये कार्ट में आपको $1 लगाने पड़ते हैं यहाँ पे, तभी कार्ट मिलती है। तो हमारे पास $1 था नहीं, एक औरत आई उसने देखा बेचारा मैं स्ट्रगल कर रहा, उसने मेरे को अपनी कार्ट दे दी, तो $1 लगा हुआ। लेकिन अभी हम ये $1 निकाल लेंगे। नियम है अबला नारी को देख के लोग मदद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुषों की भी मदद हो जाती है। ये कार्ट आपने ऐसे यहाँ लगाई, उसको आपने यहाँ से उठाया, यहाँ पे ऐसे पुश किया ये, और आपका $1 बाहर आ गया जो कि मेरा नहीं है। अरे नहीं, क्वार्टर लगाना था। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रंच करने, आशीष के साथ ही आ गए उसकी गाड़ी में। ऋतु कह रही थी आज फिर से वो करते हैं, क्या करते हैं, चिपोटले। मैं कहा भाई मैं चिपोट लगा के चिपोटले ही निकाल रहा हूँ 2 दिन से। तो आज हम लोग आए हैं आई होप। वेरी गुड जॉब यार, हमने ऐसा ऑर्डर दिया। कैन वी डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस इन दिस ऑर्डर एंड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कैन वी हैव एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड कैन वी डू दिस। बट आई थॉट इंडिया में तो कर पकड़ लेते, नहीं कर पाते भाई। एक बार एक इंसिडेंट वाला, जब हम फ्लाइंग स्कूल में थे ना, तो जिस स्कूल पे मैंने रन की थी उसका एयरपोर्ट बहुत पतला और बहुत ट्रिकी था, वेरी शॉर्ट और काफी किल लगती थी वहाँ लैंड करने में। तो जरा हाई विंग एयरक्राफ्ट जिसके विंग ऊपर है, एक लो विंग होते हैं, तो एक हाई विंग एयरक्राफ्ट वहाँ से टैक्सी कर रहा था और एक लो विंग एयरक्राफ्ट अप्रोच में लैंड कर रहा था। वो सडनली तो हाई विंग वॉज ऑन दी रनवे अबाउट टू टेक ऑफ, दिस गाय केम टू लैंड, वो सारे उसके ऊपर ही उतार दिया जा। ये इंसिडेंट एक्चुअली, हां इट एक्चुअली हैपेंड, आई विल शो यू अ पिक्चर। इट क्रैश, इट क्रैश। हां सो बिकॉज़ व्हेन आई वेंट टू माय स्कूल ना, तो इनका जो स्कूल था वो बहुत पास में ही था। पीपल टोल्ड मी अबाउट दिस इंसिडेंट, कि ऐसा हुआ कि एक के ऊपर एक उतार दिया जाए। थैंक यू। बस अब पोर्शन साइज देखो, यहाँ पे इतना बड़ा ह्यूमंगस ऑमलेट कैसे खाएंगे भाई। अभी तो उसके बाद वो भी आ रहा अपना पैनकेक्स। थैंक यू। तो ये मेरा प्रोटीन पैनकेक, ये है मेरा ऑमलेट, ऋतु का क्रेप और इसका चॉकलेट चिप, बहुत ज्यादा भाई। सो वी आर बैक टू आवर रूम, इतना ज्यादा पेल के खा लिया, मतलब यहाँ पे पोर्शन साइज इतना बड़ा ऑमलेट, उसके बाद ऑन द साइड इज अ बिग पैनकेक। हम लोग तो पैक करा के घर पे ले आए भाई साहब, खाए नहीं, अब पेट की हालत खराब हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई कितना चीज, कितना इंडिया का जंक फूड तो बहुत हेल्दी होता है। आप गोलगप्पे 4 प्लेट भी पार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लिटरली कोई नहीं। वापस आ गए रूम पे, यहाँ से भी जा रहे हैं हम लोग जर्सी में, हमारा फ्लाई नॉन का हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो पूरा न्यूयॉर्क का हमें टूर देगा। उसके बाद रात को फिर देखते क्या करना है। वैसे इतना खाने के बाद ना नींद आ रही बहुत कस के, बहुत। आई हैव अ क्वेश्चन। तो जब हम सुपरमार्केट में थे मेरे को बहुत प्रेशर आ गया, कहती रेस्टरूम में जाके तू पॉटी करा, तो मैंने कर ली। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आप लोग टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो जब टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो यू वाइप, तो हाउ मेनी टाइम्स यू शुड वाइप सो दैट यू आर डन। देखो बेसिकली दिमाग क्या कहता है कि यू शुड वाइप अनलेस व्हेन यू आर वाइपिंग द टिश्यू इज क्लीन, दैट मींस देयर इज नो मेजर स्टफ स्टिकिंग देयर। बट ये भी ये लॉ कहता है कि आप जितनी बार भी वाइप करो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इट इज नेवर क्लीन। सो आई एम अनश्योर हाउ मेनी टाइम्स टू वाइप, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल यू गाइस। इफ नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड टू वाइप योर बम टू क्लीन इट इज एन, फाइंड एन। ये यूपीएससी में आ सकता है।
सो हम लोग आ चुके हैं फ्लाई नॉन पार्किंग ओनली। सो दिस इज अ हेलीकॉप्टर सर्विस, ये आपको पूरा टूर देती है, जाते हैं अंदर रजिस्टर करते हैं। हाय राम, बहुत नींद आ रही है, नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है। You guys are all good to go with the video, and then from there we head to the back to start getting you guys ready to go. All right, thanks, guys. So abhi ho chuka hai start hamara safety demonstration. Do not attempt to grab it. सेफ्टी ब्रीफिंग हो चुकी है। ये हेलीकॉप्टर होगा, उसमें खास बात क्या है कि ये डोर ओपन है, तो पैर वैर नीचे गिरा सकते हो, हवा आएगी हवा में कानों में, और बेस्ट है कि भाई दरवाजा नहीं है इसमें, मजा आ जाएगा। हाँ जाना भाई, तो कीप एवरीथिंग हियर, तो सारा लूज आइटम निकालना है, कुछ लूज नहीं सकता आइटम, जल्दी निकाल, उससे जरूरत तो नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है जो नहीं नोड़ जाए। हम दोनों तैयार हो चुके हैं। बेस्ट थिंग इज देव गिवन अस दिस फोन होल्डर, तो यूजुअली क्या होता है जनरली कहीं पर तू नहीं चलता है व्लॉगिंग के लिए, कितना अच्छा है ये, अच्छा डंडा दे दिया नीचे पकड़ने को। यूजुअली कहीं भी होता है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो, फोटोज देख क्लिक एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू बाय द फोटोज, बस जिन्होंने हमें उसी प्राइस में ये दे दिया कि अपना हार्नेस लगा लो, फोन ले जाओ, फोन से जो रिकॉर्डिंग करनी करो। हैंगर से अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आज मौसम सही में बहुत बढ़िया है। ये हैंगर है यहाँ पे और ये वेटिंग एरिया है, ये ऐसा लग रहा है जूम में बंद कर दिया गया, तो जितने लोगों की नेक्स्ट फ्लाइट है इस कोने में हमें बंद कर दिया गया, यहाँ वेट करेंगे। लेकिन अच्छा धूप आ गई यार, नंबर आ चुका है हमारा, यहाँ से नीचे जाएंगे, आई थिंक पहला वाला हेलीकॉप्टर अपना ही है। बेटा इसी पे चलना है, येलो ब्लू वाले पे, इससे बाहर नहीं चल सकते। वो देखो वो भाई भी बाहर चल रहे। How was your experience helicopter का? ये बड़ा अच्छा था यार। तो चीखे निकला जी, उसने टर्न मारा। हाँ। ऐसे हो गया था बगल। इसने बगल में बैठे प्राइम मर्ट को पकड़ लिया, मैं को छोड़ उसको, भले गिर जाए। भले गिर जाए। हाँ, क्या गिर जाए, गिर जाए। लेकिन यार यहाँ पे एक बड़ी परेशानी हो रही है हमको यार, इसका कोई सलूशन भी नहीं मिल पा रहा है, खाना तो है ही, दूसरा यार पानी इतना ठंडा, गर्म पानी नहीं मिलता इस देश में। अभी $3 की बोतल ली है ठंडी, गला खराब हुआ पड़ा, लेकिन ठंडा पानी पीने को मजबूर है यहाँ पे। कैन यू इमेजिन रितु, ये $3 का है और रेड बुल $4 की है, तो ये भी 3 की है, कोक भी 3 की है, ये सब 3 के हैं सारे, तो आदमी इसीलिए कोक पीते हैं ज्यादा, पानी कम पीते लोग यहाँ पे। डन विद द हेलीकॉप्टर, यहाँ बैठो, अभी यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं डाउनटाउन, वहाँ पे एक और चीज करेंगे, देन वी विल कॉल इट द डे। तो दोबारा आ चुके हैं डाउनटाउन, तो ये पीछे जो देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और ये 1930 में बनी थी ऋतु, 1930 से लेके 1970 तक ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। 1970 में फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भेजे थे जो कि 9/11 में गिर गए थे, तो तब तक उसका रिकॉर्ड था, ये हाईएस्ट बिल्डिंग थी। हम लोग अभी आए हैं इस वाली बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ जाना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है, लेकिन एक और अच्छा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आपको तार से बांध के एज में से ऐसे लटका देते हैं शहर के नीचे, उसकी टिकट हमें मिली नहीं क्योंकि वो बुकड आउट है, हमने हेलीकॉप्टर राइड करते करते इसका प्लान बनाया है। तो आप अगर आए तो पहले से बुक करा ले टिकट और वो एक्सपीरियंस जरूर करें। देखो
रित्तू बैठ गए यहाँ पे भाई, बहुत ठंडा रित्तू, हम लोग की हालत खराब हो गई है यहाँ, पता नहीं लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इतना ठंडा एसी है, हालत जम चुकी है हमारी, ठंड है अभी देखो फोटो की जानी उतार दिया। तो ये है जिसके लिए वेट कर रहे थे, लेविटेशन सेंटर, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लॉक में देख के आपको 60 सेकंड्स का टाइम मिलता है सिर्फ, जल्दी जल्दी निपटानी फोटो। टैक्सी भी निकाल रही है, थैंक यू सो मच। घूम फिर के बुद्धू वहीं पे आए, रितु फाइनली आ गई दोबारा चिपोटले खाने। मैंने उसको कहा अंदर बैठ के खा ले, कहती है नहीं मैं टेक अवे लूंगी, अब बाहर आके खा रही है। इतनी ठंड है। एक मेरे को नई चीज पता चली, आपको जैसे हमने चिपोटले से भी खाना लिया ना, यहाँ पे अगर वॉशरूम यूज करना है तो रिसीट के नीचे आपको यहाँ पे बाथरूम कोड लिखा हुआ है, रितु ये जाके पंच करो तब खुलता, नहीं तो सुसु भी नहीं कर सकते आप। बैक टू आवर रूम, इतनी ज्यादा टाइट हालत है कि बस अभी बाय बोलती है सोते हैं, आप लोग ख्याल रखना।